हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फियर के बारे में, डर। जो बहुत तरह के डर होते हैं, जैसे कि आप एग्जामिनेशन फोबिया जिसको बोलते हैं, एग्जाम के से डर लगना, या कहीं यात्रा करने के समय में डर लगना, या कहीं अकेलेपन है तो डर लगता है, ऐसे कंडीशंस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन का हेल्प ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि जब आपको डर लगे तो वैसे कंडीशंस में आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे लाइक और रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आप तक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारियाँ देते रहें। तो पहली मेडिसिन आती है एकोनाइट नैप। एकोनाइट नैप 30 का इस्तेमाल आप उन तरह के डर में, फियर में कर सकते हैं जब आपको अकेले रहने से डर लगता हो, या मृत्यु से भय लगता हो, या आप जब भीड़ भाड़ बाजार वाले इलाकों में जाते हैं तो आपको घबराहट जैसी महसूस होती है। ऐसे कंडीशंस में आप एकोनाइट 30 का इस्तेमाल होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से, जर्मन कंपनी का, ले सकते हैं। और एक मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम को भी आपको जब मृत्यु भय सताने लगे, जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बेचैनी है, घबराहट है, पेशेंट महसूस करे कि नहीं अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे कंडीशंस में आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन आती है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस 6 में आप लेंगे, 6 पोटेंसी में, और ये मेडिसिन आपको एग्जाम फोबिया, यानी आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं और उसके पहले जो एक घबराहट होता है, डर होता है, उससे निजात, उससे छुटकारा आपको दिलाने वाली है। और चौथी मेडिसिन आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम वो मेडिसिन है, आप उस कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कभी भी बाहर जाए नर्वस हो जाते हैं, और नर्वस होने से आपको बार बार लैट्रिन या शौचालय जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं और आपको नर्वसनेस से लैट्रिन या बाथरूम लगने लगे, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपको हेल्प करने वाली है। इस तरह के और भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।